हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब क्लाउड। तो एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक नया वीडियो, नया टॉपिक। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है वो टोटली शेयर मार्केट के ऊपर रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट के ऊपर रिलेटेड है। तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुल पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखें, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। हेलो गाइस, एक छोटी सी वीडियो लेकर आ चुका हूं निफ्टी के ऊपर। तो आने वाले हफ्ते में इसकी क्या चाल होने वाली है, कहां से ये ऊपर जाएगा और कहां से ये नीचे आ सकता है, इन सारे लेवल्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं इसकी क्लोजिंग की। तो इसने जो क्लोजिंग दिया था फ्राइडे को 17,530 पे, तो अब मुझे क्या लग रहा है, तो ये वाला जो लेवल है ना निफ्टी के लिए बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि इसको ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी इसने अपमूव दिखाई भी थी। तो अब इसमें क्या है कि मार्केट अगर थोड़ी, अगर मंडे को थोड़ी गैप डाउन होती है, अगर इस रेंज में भी आती है 17,470 के आसपास भी आती है, पहले तो मैं आपको रेंज बता दूं, जो ये जो रेंज है 17,540 भी बोल सकते हैं इसको, 17,540, 17,550 से लेकर 17,450 के आसपास, मतलब जो 100 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज को मैंने आपको जब लास्ट टाइम जब निफ्टी की वीडियो मैंने अपने चैनल पे मैंने आपको शेयर किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहां से जब प्राइस नीचे आएगी ना, एक बड़ी फॉल अगर आएगी तो प्राइस यहीं से ऊपर जाएगी। आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट अगर मंडे को हल्की सी गैप डाउन ओपन होती है, अगर यहाँ पे आसपास आती है ना, तो पहला तो ये सपोर्ट इसको काम करेगा ऊपर जाने के लिए, दूसरा एक ट्रेंड लाइन है ये इसको सपोर्ट में काम करने वाला है। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर जाती है, दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो भी मेरी रिसर्च होती है मैं वहां पर शेयर करता हूँ, चाहे वो इक्विटी में हो या फिर ऑप्शन में हो, जो कि टोटली फ्री है। तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस होने वाला है, पहले मैं वो मार्क कर देता हूँ ताकि आपको जो है मार्केट को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये वाला जो लेवल है ना 17,720 या फिर 17,700 ही बोल लीजिए, ये इसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा सकती है तो यहाँ पे कुछ टाइम बिता सकती है, अगर यहाँ से एक इसने अच्छी खासी यहाँ पे सस्टेन कर गई तो डायरेक्ट यहाँ तक तो इसका जाना फिक्स है, मतलब 17,850 के आसपास ये मार्केट जा सकती है, ठीक है। और ये वाला जो लेवल है ना, मतलब ये जो मैंने लेवल मार्क कर रखा है ऊपर, हाँ ये वाला लेवल, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मतलब 18,000 के आसपास का जो लेवल है, 18,000 से लेकर 18,100 तक का, ये लेवल भी मैंने टेलीग्राम में आपको शेयर किया था। यहाँ से मार्केट गिर सकती है, कुछ दिन यहाँ पे साइडवेज भी रही थी कुछ टाइम, वहां से एक बहुत बड़ी फॉल भी आई थी, ठीक है। तो इस लेवल को ध्यान में रखिए, अगर ये ऊपर जाती है तो यहाँ से एक आपको कुछ पोजीशन को हल्का करना है, यहाँ पे जब नीचे आती है तो इस पोजीशन को ऊपर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक अगर बड़ी फॉल आई तो मार्केट कहाँ जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि ये एक बहुत अच्छा खासा इसके लिए सपोर्ट बन चुका है निफ्टी का, और ये बहुत अच्छा खासा ऊपर रेजिस्टेंस बन चुका है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी को उसको ऊपर जाने के लिए पहले इस पर सस्टेन करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी सस्टेन करने वाली है। एक दो बार भी सस्टेन भी करेगी फिर ये नीचे आएगी, ठीक है, बहुत अच्छे खासे ऊपर रुकने के लिए इसके लेवल से निफ्टी के लिए। और अगर ये नीचे यहाँ पे आती है तो इससे ऊपर जाएगी, तो मार्केट हो सकता है कुछ समय इस 500 पॉइंट के रेंज में ही घूमती रहे। लेकिन बात करते हैं नीचे के लिए, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है ना 17,450 के आसपास के लेवल को ये ब्रेक करती है, मतलब इसको भी मान सकते हैं, तो जो नीचे के साइड में सपोर्ट होंगे ना वो यहाँ पे होगा लगभग 17,350 या फिर 17,330 के आसपास का। और अगर एक बहुत बड़ी फॉल आती है ना तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक लगभग 16,780 या फिर 16,800 के आसपास, मतलब मैं अभी लेवल मार्क ही कर देता हूँ कि अगर एक बड़ी फॉल आती है तब कहाँ पे मार्केट रुक सकती है। तो ये वाले जो लेवल है ना यहाँ पे आप इसको मान लीजिए, यहाँ पे इसको करते हैं, ठीक है। ये वाला जो लेवल है, मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि हमारा लगभग लगभग 100 से 150 पॉइंट का रेंज हो गया। अगर एक बड़ी फॉल यहाँ से आती है, निफ्टी इसके नीचे अगर क्लोज दे देती है ना, तो लगभग कुछ टाइम ये रोक सकता है 17,150 के आसपास का। लेकिन अगर इसने ये लेवल को भी ब्रेक कर दिया तो डायरेक्ट निफ्टी यहाँ पे आ सकती है 16,800 से लेकर 16,600 के आसपास का, ठीक है। तो इन लेवल को जरूर में ध्यान रखिए, और मेरे को ऐसा लगता है कि निफ्टी यहाँ से इसको ऊपर जानी चाहिए। यहाँ पे कुछ जाए तो अपनी पोजिशन ट्रेल करते चलिए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है ना लगभग 17,740-50 के आसपास, अगर आप देखते हैं कि निफ्टी यहाँ पे सस्टेन कर रही है ना, तो आपको यहाँ तक का टारगेट एटलीस्ट मिल ही सकता है, मतलब 17,860 या 50 के आसपास। तो गाइस ये थी मेरी रिसर्च निफ्टी के ऊपर, होप कि जो भी लेवल्स आपके साथ मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं आप जरूर समझ में आएंगे, और उम्मीद करता हूँ आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, टिल बाय, टेक केयर एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो भी मेरी रिसर्च होती है मैं वहां पर शेयर करता हूँ, चाहे वो इक्विटी में हो या फिर ऑप्शन में हो, जो कि टोटली फ्री है। वहां पे जाके आप हमारा परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। होप गाइस आप उस टेलीग्राम चैनल पे विजिट करेंगे, और जैसा प्यार मुझे आप यूट्यूब पे दे रहे हैं वैसा आप टेलीग्राम पे भी देंगे। होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा सा भी सीखा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम का चैनल भी डाला हुआ है, उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्री में ऐसे टिप्स देता हूँ शेयर से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे मैं टिप्स देता हूँ वो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस देता हूँ। तो वहाँ पे आप जो भी ट्रेड करें वो खुद की आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। तो प्लीज़ वहाँ पे भी चैनल को ज्वाइन करें और वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।